नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं अब इसको जर्मिनेशन का सिस्टम कर रहा हूँ। तो ये मेरे सागवान की सीड है, तो आप देख सकते हैं ये सागवान है। ये सागवान जो है इसको कहते हैं टिशु सागवान। तो देख सकते हैं ये इसकी सागवान की सीड है और हाइब्रिड नस्ल है। तो मैंने ये कर्नाटका से मंगवाई है, तो अभी आई है। तो मैं अब इसको इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बाल्टी ले ली है, इस बाल्टी में मैं इसके बीज डाल दूँगा और ये बीज मैं रात को पानी में डाल दूँगा और कल सुबह इस पानी को फिर इसको मैंने धूप में सुखाना है। ऐसे ये मेरा प्रोसीजर जो है 15 दिन कंटिन्यू चलेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें सीड हम डाल रहे हैं, तो मैंने इसको पन्नी को इसमें डाल दिया। और दोस्तों ये जो सीड है, ये सीड जो बैठ जाएगी नीचे वो सीड सही होती है, और जो उठ रहती है, जो पानी में तैरती है, तो वो सीड जो होती है वो ख़राब होती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, जो पानी के नीचे डूब गई है वही सीड आपकी उगेगी, और जो ऊपर तैर रही है वो सीड आपकी ख़राब होगी। तो ये हमारा सिस्टम, रात को मैंने इसको, अब मैं इसमें शाम का टाइम हो गया तो मैं इसमें पानी में डाल रहा हूँ और सुबह इसको फिर मैं धूप में सुखाऊंगा। ये मुझे लगातार 15 दिन करना है, 15 दिन के बाद फिर मैं इसका जर्मिनेशन करूँगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम सागवान की जो है सीड उगाते हैं। अभी तो फर्स्ट प्रोसेसिंग है, जो हमारे बीज आए हैं और बीज आने के बाद हमने अब इसको पानी में डाल दिया है और अगले दिन हमने इसको धूप में रखना है। तो दोस्तों तब तक वेट करें। जय हिंद, जय भारत।